हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड गुलाब जामुन। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट ब्रेड, तेल, एक कटोरी चीनी, पानी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और दूध। सबसे पहले ब्रेड के ब्राउन किनारे को चाकू की मदद से अच्छे से काट के निकाल लें। सारे ब्रेड के किनारे को अच्छे से काट के निकाल लीजिए। अब ब्राउन किनारे हटाने के बाद ब्रेड को अच्छी तरह से तोड़ ले। ब्रेड को अच्छी तरह से तोड़कर मिक्सर जार में डाल दीजिए। अब ब्रेड का चूरे को अच्छे से बाउल में निकाल लीजिए। देखिए ब्रेड अच्छे से चूर हो चुके हैं। अब हम इस चूरे को दूध की मदद से अच्छे से नरम आटे जैसा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे नरम आटे जैसा गूंद लीजिए। आटा गूंद जाने के बाद इसे 10 मिनट तक अच्छे से ढककर रख दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। अब हम गुलाब जामुन की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए काजू बादाम। हम एक छोटी चम्मच चाशनी डालकर मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है।
हाथ पर थोड़ा सा घी लगाकर आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ लीजिए और इसे गोला बनाइए। इसे अब आगे से थोड़ा सा चपटा करके इसमें स्टफिंग डालिए। तैयार की हुई स्टफिंग डालकर इसे चारों ओर से उठाते हुए बंद कर दीजिए और गुलाब जामुन के जैसे गोल गोल आकार कर दीजिए। इसी तरह से सारे आटे से गोला बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए गोले तैयार हैं। अब हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी, 1/4 चम्मच चाशनी को चीनी घुलने तक पकाए। चाशनी में हम पिसी हुई इलायची डालेंगे, इससे हमारे चाशनी का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने रख देंगे। साथ ही हम चाशनी को चलाते रहेंगे। देखिए तेल गरम हो चुके हैं। अब हम 3-4 गोले कढ़ाई में डालेंगे। और ब्राउन होने तक हल्के से हिला हिला कर तलेंगे।
इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। गुलाब जामुन को ब्राउन होने तक अच्छे से तल लीजिए। तले गुलाब जामुन को कढ़ाई से निकालकर एक प्लेट में रखिए। इसी तरह हम सारे बने हुए गोले को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लेंगे। पानी में उबाल आने और चीनी पानी में घुलने के बाद चेक कीजिए चम्मच से कि चाशनी अच्छे से बनी है कि नहीं। उंगली और अंगूठे के बीच चाशनी को रख के अच्छे से चेक कीजिए। देखिए हमारी चाशनी तैयार है। अब हम चाशनी को गैस से उतार लेंगे। 2 मिनट बाद चाशनी में बने हुए गुलाब जामुन को डुबा दीजिए। दो से तीन घंटे में गुलाब जामुन मीठा रस सोखकर मीठे और स्वादिष्ट हो जाएंगे और खाने के लिए गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। गुलाब जामुन तैयार है हमारे। मीठे और स्वादिष्ट ब्रेड के गुलाब जामुन।